हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद एतिमन। सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी जो है वो काफी अच्छी रहने वाली है, 31,000 रुपए तक जो है वो आप लोगों को यहाँ मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड यहाँ पर मांगा गया है, कोई भी टेट या सी टेट की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। उम्र जो है वो 18 से 32 साल तक रहने वाली है। सभी राज्यों से यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन हम लोग चेक करते हैं। तो ये जो इसकी एडवर्टीजमेंट है थोड़ी सी क्लियर नहीं है, बट मैं आप लोगों को सारी चीजें जो है वो क्लियरली बोलती जाऊंगी, आप लोग सुनते हुए जाना। यहाँ पर जो है वो दो जगह से वैकेंसी है, एक तो रमसा यानी कि सर्व शिक्षा अभियान से वैकेंसी है और दूसरी अपग्रेडेड हायर सेकेंडरी स्कूल से वैकेंसी है। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये वैकेंसी जो है वो ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट से आई है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पोस्ट नेम है, असिस्टेंट लेक्चरर इंग्लिश की पोस्ट है 3, इसके अलावा जो है वो खासी की 4 पोस्ट है, हिस्ट्री की 1 पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस की 4 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स की 2 है, एजुकेशन की 3 है, ज्योग्राफी की 1 पोस्ट है और फिलोसॉफी की 1 पोस्ट है। इसके अलावा मैथमेटिक्स की भी 1 पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट टीचर के लिए, ठीक है। मैथमेटिक्स के लिए इन्होंने सैलरी जो है वो 29,000 पर मंथ कही है और असिस्टेंट लेक्चरर बाकी सब्जेक्ट के लिए इन्होंने 31,000 पर मंथ यहाँ पर कहा गया है, जो कि फिक्स्ड है। मिनिमम रिक्वायर्ड एंड क्वालिफिकेशन यहाँ क्या मांगा गया है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपकी जो है मास्टर डिग्री मांगी गई है, साथ में बीएड आपका होना चाहिए, कोई भी सी टेट या टेट यहाँ पर नहीं मांगा गया है, या फिर 2 साल का आपने अगर इंटीग्रेटेड एमएससी एड कोर्स किया है और साथ में आपके पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यदि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मास्टर डिग्री और साथ में बीएड किया है, तो आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हो। तो यहां पर जो है आप लोगों को एप्लीकेशन जो है वो कैसे करनी है, सबसे पहले जो है यहां पर कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर टू सबमिट द एप्लीकेशन ऑन बिफोर 4 अगस्त 2023, 4 अगस्त से पहले आप लोग जो है एप्लीकेशन कर दें। एप्लीकेंट मस्ट मेंशन द कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आप लोगों को अभी दिखा दूंगी और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, ताकि आप लोग डायरेक्ट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करके और उसमें सारी चीजें फिल कर सकें। तो यहां पर लिखा है कि कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म में आप जरूर मेंशन करें, जरूर आपको लिखना है। फोटोकॉपी ऑफ ऑल मार्कशीट, सभी मार्कशीट की फोटोकॉपी, आपके जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट हैं, यदि आपके एक्सपीरियंस है, अगर है तो उसको अटेस्टेड करके साथ में फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज आप लोग जो है वो सबमिट कराएंगे, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोगों को इंटरव्यू के टाइम पर लेकर आना है, कोई एग्जाम नहीं होगा यहाँ पर, आपका जो है वो केवल इंटरव्यू होगा और वेरिफिकेशन होगा, यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो चेक होंगे, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पर। तो आप लोग जो है वो बिल्कुल बेझिझक जो है यहाँ पर अप्लाई करें। अब जो है ये परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड द कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सटेंडेड सब्जेक्ट टू द रिसिप्ट ऑफ फंड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर तो होगा आपका, 1 साल के लिए जो है आपको यहाँ पर जो है वो पढ़ाने का मौका मिल रहा है, लेकिन हर साल आप लोगों को रिन्यू ये लोग करते जाएंगे। तो टेंशन नहीं लेनी है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, कई बच्चे जो है ये शब्द सुनकर ही जो है फॉर्म नहीं डालते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, जो है वो हमें 1 साल काम करने का मौका मिलेगा उसके बाद हमें हटा देंगे, नहीं ऐसा नहीं है। यहां पर जो है आप लोग हर साल जो है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट को जो है रिन्यू करते जाएंगे। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग जो है एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसे भरेंगे, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले गूगल पर जो है वो आप लोग मेघालय पोर्टल पर आए, meghalayportal.com पर, और इसको जो है नीचे स्क्रॉल डाउन जो है वो करें। यहाँ पर लिखा है डाउनलोड स्टैंडर्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो मैंने अभी आप लोगों को नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाया है तो वो यहाँ मिलेगा आपको, SSAEKSD रिक्रूटमेंट 2023 असिस्टेंट लेक्चर टीचर वैकेंसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। ये इसी तरीके से जो है इन लोगों ने यहाँ पर मेघालय पोर्टल पर डाला है। तो चलिए हम लोग जो है एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है उसको देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है द गजेट ऑफ मेघालय, ठीक है, तो शिलोंग से जो है ये वैकेंसी है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इस तरीके का है, आप लोग इसको जो है वो फिल कर लेंगे अपना जो कंप्लीट, सबसे पहले डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद जो है वो आप लोगों को इसको फिल कर लेना है अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो है ईमेल आईडी और आपका जो फोन नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर शो करना है, जो कि इन्होंने बिल्कुल लिखा है, ठीक है।
और जो आपका एड्रेस रहेगा इस फॉर्म को भेजने का, तो वह बिल्कुल एडवर्टीजमेंट जो है उसके एंडिंग में आपको दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट शिलोंग। ठीक है, तो यदि आपके आसपास है तो आप जो है खुद जो है रूम नंबर 5A, यहाँ लिखा हुआ है 4 अगस्त से पहले ऑफिस का जो रूम नंबर 5A है यहाँ पर आप लोगों को भेजना है। स्पीड पोस्ट आप करिएगा ताकि आप लोगों का जो है वो समय पर पहुंच जाए, क्योंकि 4 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।